कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को मुबारकबाद देना चाहूँगी कि उन्होंने पूरी कंट्री, जो कि आई थिंक इस वक्त बहुत ही ज़रूरत है, उसका फोकस टूवर्ड्स रिवाइटलाइजिंग ऑफ द लोकल इंडिजिनस एंड द नेशनल इंडस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान. उसके बाद अ कॉन्स्टेंट इंस्पिरेशन आई थिंक वॉज अतीका व्हेन वी मेट इन इस्लामाबाद, और बहुत सी चीज़ें हमने डिस्कस की कि किस तरह गवर्नमेंट वो ड्यू रोल प्ले कर सकती है इन रिवाइविंग द इंडस्ट्री, बोथ एट द ट्रेड लेवल, बिजनेस लेवल एंड ऑल्सो एट द आर्टिस्ट प्रोडक्शन एंड ब्रॉडकास्ट लेवल. और उसके बाद आई एम ऑल्सो ऑनर्ड एंड फील प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस ब्रॉडकास्टिंग प्रोडक्शन एंड द आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली द लिटरेरी आइकॉन जो कि अनवर मकसूद साहब हैं. और आज मुझे उनके साथ बैठकर और कुछ जो चंद बातें अभी मैंने की उनके साथ, तो एक बहुत हौसला मिला कि अभी भी पाकिस्तान के अंदर वो होप, वो पैशन और वो कमिटमेंट इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है. और ये वाहिद इंडस्ट्री है पाकिस्तान की जो इंडिजिनस है, जो किसी फॉरेन कंटेंट या किसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़ी नहीं हुई, बल्कि जो इंडिजिनस आर्टिस्ट कम्युनिटी है पाकिस्तान की, वो आज भी पाकिस्तानी है और पाकिस्तान का ब्रांड है. उसके साथ साथ मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि मैं यहाँ आज अपनी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की पूरी टीम के साथ आई हूँ, और वो सब लोग PTV, रेडियो पाकिस्तान, हमारा एक अदारा है DEMP, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पब्लिसिटी, एक्सटर्नल पब्लिसिटी, और ऑल्सो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है उनके साथ मैं आई हूँ. उनके सब हेड्स यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि मैं ये चाहती थी कि वो सब लोग आपके वर्किंग सेशंस, क्योंकि मैं समझती हूँ कि एक इनॉग्रल सेशन में आकर तकरीर करने से मसला हल नहीं होगा, इसलिए मैं ख़ुद भी उन सेशंस में पार्टिसिपेट करूँगी और आप लोगों से सीखना मेरा मकसद था इस कॉन्फ्रेंस में आने का. द अदर थिंग आई वॉन्ट टू से हेयर इज़ कि जिस तरह अतीका ने कहा कि कायद आज़म साहब का पैशन था कि वो एक अदाकार बनना चाहते थे, इसी तरह मैं कोई पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स इस बात पे नहीं करूँगी. प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी खुद बहुत ज़्यादा आर्ट्स, कल्चर, म्यूज़िक और फिल्म के साथ उनका इंटरेस्ट है, और इसीलिए उन्होंने मुझे ये टास्क दिया जब मैंने ये पोजीशन संभाली. हम लोग इस्लामाबाद में एक नेशनल आर्टिस्ट कन्वेंशन वी आर ऑर्गेनाइजिंग इन दिसंबर और जनवरी, और मैं चाहती थी कि मैं यहाँ ख़ुद आऊँ, आप लोगों से बात करूँ, और फिर इस जो भी यहाँ से रिकमेंडेशन हो उसको हम कंक्लूड और कल्मिनेट करें इनटू दैट नेशनल आर्टिस्ट कन्वेंशन. जमाल शाह साहब यहाँ बैठे हैं, अभी मैंने उनको देखा, तो ही इज़ ऑर्गेनाइजिंग दैट नेशनल आर्टिस्ट कन्वेंशन, और मैं आप सबसे भी दरख्वास्त करूँगी कि आप उसका हिस्सा बने, क्योंकि जो एक डिसकनेक्ट है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द इंडस्ट्री, उसको ब्रिज करना मेरा मकसद है. और ना सिर्फ ये मैं आपको कह रही हूँ, बल्कि आई थिंक कि एक इंस्टीट्यूशनल कनेक्ट की ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि अगर 18th अमेंडमेंट के बाद आप देखें तो ज़ाहिर है ये सूबाई मसला है, लेकिन नेशनल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जो रोल प्ले कर सकती है ऑफ क्रिएटिंग एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसर्स, फॉर ब्रॉडकास्टर्स, आर्टिस्ट कम्युनिटी, हमारा आज तक रोल टूवर्ड्स द आर्टिस्ट बहुत अच्छे भी लगते हैं हम सबको, लेकिन वो थोड़ा सा रिएक्शनरी रहा है, रिस्पॉन्सिव नहीं रहा. और इसी नेशनल कन्वेंशन के अंदर हम एक नेशनल आर्टिस्ट फंड प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करेंगे, जो कि फंड शुड नॉट ओनली बी डिस्ट्रीब्यूटेड और रेंडर्ड ओनली जबकि आर्टिस्ट कोई हॉस्पिटल में खुदा ना खास्ता हो, बल्कि ऑल्सो टू फैसिलिटेट द आर्टिस्ट और द प्रोड्यूसर्स या द यंग प्रोड्यूसर्स इफ़ दे वॉन्ट टू मेक एनी प्रोजेक्ट और एनी थिंग विद इन द कंट्री. इस वक्त मैंने जो फ्रॉम द आउटसेट आई अंडरस्टैंड दैट देर इज़ needs to be a facilitating environment by the federal government in terms of tax rebates on production. And I stand here with a great conviction and commitment towards this one point agenda, and if I succeed, I think this will be a success of our national industry in Pakistan. And I'll be your ambassador in the federal government to have that tax rebate for production in Pakistan. The other thing, of course, is the code of फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दैट वी टॉक अबाउट दीज डेज अ लॉट, एंड उसके अंदर सिर्फ ये है कि हमने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के रूल्स, रेगुलेशंस और लॉज को बना लिए, लेकिन हम लोगों ने जो ट्रेनिंग थी इन दैट कोड ऑफ कॉन्डक्ट उसको थोड़ा सा इग्नोर्ड रखा फ्रॉम द इंडस्ट्री.
So I think we have also people like icons like Sultana Apa in Pakistan, who I have met yesterday, and we've discussed many things. कि किस तरह हम जो ट्रेनिंग कंपोनेंट है जो वो खुद ऑलरेडी इसमें काम कर रही हैं और किस तरह गवर्नमेंट लेवल के ऊपर एक नेशनल लेवल के ऊपर वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट को कायम करने के लिए वो किस तरह बिकॉज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज़ द की फॉर द इंडस्ट्री. द गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोड्यूस फिल्म बट कैन फैसिलिटेट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फिल्म इंडस्ट्री इन पाकिस्तान. सेंसर पॉलिसीज 18th अमेंडमेंट के बाद बहुत प्रॉब्लम है कि वो हर सूबे के अंदर सेंसर हो रही हैं. पहले एक सेंट्रलाइज्ड होता था, तो वो भी मैं आप लोगों की इनपुट लेने आई हूँ बिकॉज 18th अमेंडमेंट हम अमेंड कर सकते हैं दोबारा विद लेजिस्लेशन एंड पार्लियामेंट. तो वो तमाम चीज़ें जो हमें टीजिंग प्रॉब्लम्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं, वो आप लोगों की इनपुट चाहिए होगी कि किस तरह हम उसको रिवाइव कर सकें. सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरा नेशनल आर्टिस्ट कन्वेंशन का मकसद होगा वो रीजनल और लोकल थिएटर और फिल्म इंडस्ट्री को रिवाइव करना. बिकॉज आई थिंक जो पूरी सोसाइटी को हम कहते हैं कि जी फिल्म प्रोडक्शन जो है बहुत हाईलाइट करती है हमारे सोसाइटियल नॉर्म्स वगैरह, बट शेप भी करती है, डिटर्मिन भी करती है हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स और एक हेल्थी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट भी करती है. तो आई थिंक रीजनल थिएटर फिल्म एंड लैंग्वेज हैज़ टू बी टेकन अप, जो कि मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के लेवल पे आई एम टेकिंग दैट अप. उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि हम बहुत बात करते हैं कि जी रिसोर्सेज नहीं हैं, लेकिन हमें एट ऑल लेवल्स, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, चाहे वो आर्टिस्ट कम्युनिटी हो, या ब्रॉडकास्टर्स या प्रोडक्शन हो, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, इसमें टाइम देना पड़ेगा. उन रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एंड राइट रिसोर्सेज को, स्किल बेस्ड को, बिकॉज इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है ग्लोबली इफ़ वी लुक एट आर नेबरिंग कंट्रीज. और जब भी फोकस हमारा लोकल इंडस्ट्री के ऊपर आया वो हमेशा किसी ना किसी कॉन्टेंट के बंद होने पर आया. तो वेयर इज़ आवर प्लान विद टाइम लाइन्स to revive the local industry of Pakistan, both broadcast, production and the artist and the film industry. तो उसके ऊपर मेरा focus रहेगा, because unless हम ये बात ज़रूर करते हैं कि हमारा soft image Pakistan का through the industry जाता है, लेकिन I think within the country we need to revive and strengthen this focus first, और उसके बाद वो खुद ही multiplier impact के साथ हमारा international level के ऊपर उसका impact होता है. So I think we all need a plan, and I am ready to sit with you for these 2 days to devise a strategy where federal government aap logon ki aapko assist kar sakti hai, wo ek platform create kar sakti hai jahan pure Pakistan se logon ko bitha kar ek, because ek platform hai, aap logon ko pata hoga, Council of Common Interest, usme hamesha hum security ki baat karte hain, safety ki baat karte hain, aajkal water ki baat kar rahe hain, census ki baat kar rahe hain. लेकिन आई थिंक दिस एजेंडा ऑफ रिवाइविंग द लोकल नेशनल इंडस्ट्री शुड बी टेकन अप एट द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, बिकॉज दैट्स वे जहाँ प्रोविंसेस को और जहाँ सबको इकट्ठा वो बैठते हैं चीफ मिनिस्टर्स, तो वहाँ ये सबका हिस्सा इसमें डालना पड़ेगा और आप सबकी मदद और रहनुमाई इसमें ज़रूरी है. आखिर में मैं एक दफ़ा फिर प्राइम मिनिस्टर का विजन, जो कि लोकल इंडस्ट्री का रिवाइवल इस वक्त कम्प्लीट फोकस उस पर है, और उन्होंने मुझे ख़ास तौर पर ये टास्क दिया है टू टेक द नैरेटिव बैक एंड ऑल्सो कि किस तरह लोकल और नेशनल इंडस्ट्री हमारी जो है वो रोल प्ले कर सकती है टूवर्ड्स पीस, सिक्योर, पीसफुल एंड सिक्योर पाकिस्तान, जो कि वो इमेज हमारा बहुत ज़रूरी है इस वक्त. और मैं समझती हूँ कि जितना वो रोल आर्टिस्ट कम्युनिटी उसमें रिवाइवल में कर सकती है और कोई इंडस्ट्री नहीं कर सकती. इन द एंड मेरा थोड़ा सा सेल्फिश मोटिव भी था इस कॉन्फ्रेंस में आने का, और वो आई विल लाइक टू ऑनेस्टली एडमिट इज़ that I also want to revive Pakistan Television, which was the glory and the icon of the country, or Pakistan Radio. To usme bhi mujhe aap logon ki madad ki bahut zarurat hogi, aur I'm easily accessible. To these Pakistan Television is the utmost priority of the Information Ministry at the moment. Aap sab log jo yahan maujood hain, jo main dekh rahi hu, jo chehre main dekh rahi hu, wo kisi na kisi tarah Pakistan Television ke sath jude rahe hain और उनका पैशन उसके साथ मुंसलिक रहा है. प्लीज़, ये मैं सफ़र का आगाज़ यहाँ शुरू करने आई हूँ और आप लोगों की रहनुमाई इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है. बहुत शुक्रिया जी. मिनिस्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. वी आर डिलाइटेड यू आर हियर, एंड इंशाल्लाह ताला हम सब आपके साथ काम करेंगे. और जहाँ तक अदाकार और आर्टिस्ट का ताल्लुक है, तो जब भी जलजिला आया या कोई
सानहा आया तो सब इकट्ठे होकर निकले हैं अपने लोगों के लिए। तो आज हम सब की बहुत अहम ये एक ज़रूरत है कि हम इकट्ठे होके काम करें पाकिस्तान के लिए, ताकि हम मिलजुल के तरक्की कर सकें। मैंने आपको यहाँ पे ज़रा रिक्वेस्ट की रुकें, क्योंकि अब मैं एक ऐसी शख्सियत को स्टेज पे बुलाना चाह रही हूँ जो ही इज़ ऑलवेज इन माय हार्ट एंड एवरीबडी नोज़ व्हाई, बिकॉज इन ये फैमिली भी इनको कह लें, मेरे मेंटर कह लें, हमारे आइकॉन कह लें, लेकिन अनवर मकसूद साहब तो पूरे पाकिस्तान के हैं, सिर्फ मेरे ही नहीं हैं। एंड आई थिंक अनवर साहब, इट्स वंडरफुल दैट यू आर हियर टुडे। जब हमने ये सिलसिला शुरू किया तो हमने सोचा कि हम किसको सलाम और शुक्रिया करना चाहेंगे अपने पहले ओपनिंग ऑफ फोकस पीके पे, तो सबसे जो नाम वाजे हुआ वो आपका था। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट खालिद तवाब साहब टू कम बैक ऑन स्टेज प्लीज़, एंड शाजिया सैयद साहिबा टू कम बैक ऑन स्टेज इज़ वेल, सो दैट वी कैन जॉइंटली call Anwar Saab on stage to present him his shield and thank him for all the work he has done for this country, for the talent of this country, and Allah aapko lambi umar de, sehat de, aur hum sab aapke saath hain, aur Anwar Saab aap jaise hi log is mulk ko behtar kar sakte hain, aapke baghair hum ye kaam kar nahi sakte, to please tashreef laiye. Tak Anwar Maqsood Saab aate hain, I would like also like to thank Unilever कि उन्होंने इस तरह के वेंचर को हमेशा सपोर्ट किया और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन पाकिस्तान।